दोस्तों आज की कहानी है, मेरी बहू को खाना बनाने में भी पूरा दिन लग जाता है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे राधा, ये कैसा असार डाला है धूप में रखे असार के मर्तबान को देखकर कौशल्या बोली, क्या बताऊं दीदी, मेरे हाथ का असार अच्छा डलता ही नहीं है। हर बार तो मायके से भाभी ही बनाकर भेजती हैं, इस बार उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा खुद ही डाल दूं, लेकिन देखो ना रंग भी अच्छा नहीं आया और खाने में भी स्वाद कुछ खास नहीं है। अरे मेरी बड़ी बहू मीना है ना, वो बहुत अच्छा अचार बनाती है। जब से वो आई है सारे परिवार के लिए वो ही अचार बनाती है। तो तेरे लिए भी बना लेगी। सच कहूँ दीदी, तुम बड़ी किस्मत वाली हो जो ऐसी गुणी बहू मिली है। तुम्हें एक हमारी बहू को देख लो, सारा आदमियों का खाना बनाने में ही सारा दिन निकल जाता है। बालकनी में कपड़े सुखाती हुई अपनी बहू किसकी है कंधे उसकाते हुए कौशल्या जी बोली। राधा की बात सुनकर कौशल्या जी अपनी किस्मत पर इतरा रही थी। घर आते ही वह अपनी बहू मीना के पास गई और बोली, बहू कल राधा काकी के यहाँ जाकर उसके लिए असर बना आना, लेकिन माँ जी कल तो सोनू के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, मुझे वहाँ भी जाना है। अरे बहू थोड़ा वक्त निकाल कर चली जाना, मैं उससे बोल आई। अब मना करूँगी तो सोचेगी मैं तेरी झूठी बड़ाई कर रही थी। इस बड़ाई के चक्कर में मीना को ना जाने क्या क्या करना पड़ता था। जब से शादी करके आई थी सारे रिश्तेदार और मोहल्ले भर में उसके गुणों की चर्चा रहती थी। हर काम में निपुण, रसोई में कुछ भी बनवा लो 20-25 लोगों का खाना भी आराम से बना लेती थी। जब से सासू माँ को पता चला कि मीना असर पापड़ और मिठाइयाँ खुद ही बना लेती हैं, अपनी सारी बेटियों और नंदों के लिए असर और मिठाइयाँ बनाने की जिम्मेदारी उसे ही सौंप दी। और तो और मोहल्ले में जब भी किसी के घर मेहमान आते तो मीना को खास तौर पर नए नए पकवान बनाने के लिए बुलाया जाने लगा। ढेर सारी तारीफें बटोर कर उसका कुछ भाग मीना को भी दे दिया जाता। शुरू मैं तो मीना भी नहीं अपनी कलाकारी दिखाने में पैसे नहीं हटती थी, लेकिन अब उसके खुद के बच्चे हो गए थे, काम भी ज़्यादा हो गया था, लेकिन सासू माँ फिर भी मोले भर के काम करने के लिए उसे बोलती रहती थी। सस ज्यादा गुण भी इंसान को सहन से जीने नहीं देते। दूसरे दिन मीना जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर राधा काकी के यहाँ चली गई। राधा काकी ने असर बनाने का सारा काम सामान लाकर रखा था, लेकिन मसाई की कुटाई नहीं की थी। मीना ने कहा कि इन मसालों की कुटाई करनी पड़ेगी। अरे हाँ बहू, मैं तो भूल ही गई थी। नीलम बहू एक काम कर, रसोई में उखल रखा है जरा ले आ। अपनी बहू को आवाज देते हुए राधा काकी बोली। नीलम तो मसाले कूट दो, इतनी देर में असार में नमक हल्दी मिला देती हूँ। मीना बोली। दोनों बहुएं आंगन में बैठ गई और राधा काकी अंदर चली गई। मीना बोली, नीलम तुम भी सीख लो असार बनाना, अगली बार तुम खुद भी डाल सकोगी। भाभी आता तो मुझे भी है, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं डालती, नीलम ने फुसफुसाते हुए कहा। मीना हैरानी से नीलम का मुंह ताकने लगी। क्यों, अरे भाभी अगर मैं भी ये सब काम करने लगी तो मेरी हालत भी आपकी तरह हो जाएगी। मैं नहीं करती तो मैं
तो भी काम चलता है, लेकिन अगर मैं करने लगी तो फिर सारे खानदान का काम मेरे बिना नहीं चलेगा। मीना को आज एहसास हुआ कि ज़्यादा गुणी होना भी खुद पर भारी पड़ सकता है। अपने गुणों को